में लगेंगे अब एसी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत में जितने भी ट्रक्स चलते हैं अब उनमें एसी जो है वो लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि जब आप रोड्स पे ट्रक को चलते हुए देखते हैं कि इन ट्रक्स में जो है वो एसी हो सकता है, लेकिन अब पूरे भारत में ऐसा होगा। जो भी ट्रक्स आप नेशनल हाईवे पर चलते हुए देखेंगे या अपने पास से गुजरते हुए देखेंगे, और सबसे बड़ी राहत जो है वो ड्राइवर्स के लिए है, क्योंकि गर्मी में वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसका तापमान बहुत ज्यादा है। ड्राइवर्स को 43 डिग्री और 47 डिग्री में जो है वो ट्रक चलाने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें सामान होता है। अगर वो सामान ना पहुंचाए तो आगे जो है वो आप लोगों को सामान नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब केंद्र गृह मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी ट्रक्स हैं उनमें एसी जो है वो लगा दिए जाएंगे, और ये अच्छी खबर है तमाम ट्रक ड्राइवर्स के लिए जिन्हें राहत मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ये प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन ये कह के रोक दिया गया था कि इसमें खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, तो खर्चा कौन भरेगा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने ड्राइवर्स के कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अब तमाम ट्रक्स में जो है वो एसी लगा दिए जाएंगे ताकि ड्राइवर्स जो है वो चैन से सो सके। अगर आप भारत की बात छोड़ दें, आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, हमारे ड्राइवर्स यहाँ से 12 से 14 घंटा जो है वो ट्रक चलाते हैं, लेकिन आप जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वो कुछ घंटों के लिए ट्रक चलाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि उनका को ड्राइवर जो है वो साथ में रहता है, फिर उनकी जगह पर वो आता है और वो ट्रक चलाता है, फिर दूसरा शिफ्ट बाय शिफ्ट ऐसा होता है। लेकिन भारत जैसे देश में 12 से 14 घंटा एक ही व्यक्ति जो है वो ट्रक चलाता है, और उसका कोई ड्राइवर भी नहीं रहता, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है। और आपको बता दें कि इससे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, कभी ट्रक खाई में गिर जाता है, कभी ट्रक्स के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो ड्राइवर्स हैं उन्हें पूरा जो है कैबिन, वो कैबिन मिलेगा जो एसी से लैस होगा, और पूरे ट्रक को जो है वो एसी के साथ ऐसा कर दिया जाएगा कि ताकि आप वक्त वक्त पर उसमें सो सके और आप वक्त वक्त में उसमें आराम कर सके। अब जैसे जम्मू कश्मीर की ही एग्जांपल ले लें, जम्मू कश्मीर में अभी इतनी तेज धूप है कि ऐसे में जो पंजाब हरियाणा राजस्थान से ट्रक्स आते हैं वो जब तक कश्मीर पहुंचते हैं उन्हें जम्मू से गुजरते और कश्मीर से गुजरते 43-47 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनका कम्फर्ट जोन कहाँ है। लेकिन नितिन गडकरी जी को याद आया तो राहुल गांधी के वायरल वीडियो के बाद में याद आया, जो राहुल गांधी ने वाशिंगटन से अपना वीडियो शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ट्रक ड्राइवर से पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है, और जब उसका कंफर्ट जोन देखा तब राहुल गांधी ने कानों को हाथ लगाए, कहा अरे बाप, अरे ये क्या हो गया, भारत में ट्रक ड्राइवर्स की इज्जत नहीं, ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई एसी वाला कैबिन नहीं, ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी इतनी कम, ना वो ठीक से खा सकता है ना सो सकता है। जो उसके साथ ट्रक ड्राइवर था उसने भी यही कहा कि वॉशिंगटन में बहुत आराम से हूँ, बहुत आराम से जो है एसी की फैसिलिटी ले रहा हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, अपनी बॉडी के हिसाब से काम करता हूँ, यहाँ पर हमें देख कर रूल बनाए। लेकिन आपको ये बता दें कि इसके आगे की जब चलते हैं तब अब ये कहा गया है कि जितने भी ट्रक्स चलते हैं उनके एक कैबिन को जहां पर ड्राइवर्स बैठते हैं उसको जो है वो एसी से पूरा लैस कर दिया जाएगा, और पूरे जितने भी ट्रक है उसे जो है एयर कंडीशनर बना दिया जाएगा। ऐसे में वॉल्वो और स्कैनिया और टाटा की कंपनियों को कहा गया है कि अब आप ऐसे ट्रक का निर्माण करें जिनमें एसी फिट जो है वो किया गया हो। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2025 तक ये सौगात आपको मिलेगी। 18 महीने का ये जो समय है, केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 18 महीने में इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाएगा, सारे ट्रक्स में जो है वो एसी लगा दिया जाएगा, ताकि 12 से 14 घंटे ड्राइवर काम करने वाले को 43 और 47 डिग्री जाने में राहत मिले, और राहत के साथ साथ वो सही काम जो है वो कर पाए। कुछ सालों पहले एसी बसों को भी ड्राइवर के लिए, नॉन एसी बसों के लिए जो है वो सुझाव दिया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उन गाड़ियों में भी एसी लगाया जा रहा है। इसलिए स्कैनिया, वॉल्वो और टाटा को कहा गया है कि आप एसी लगाएं, और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 10,000 से 20,000 वो ट्रक महंगा पड़ेगा बाकी गाड़ियों से। तो इतनी गर्मी में राहत पाने के लिए 10,000 से 20,000 अगर आपको खर्चना पड़ रहा है, और ट्रक ड्राइवर्स बताएं जो नेशनल हाईवे पर चलते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। तो इसलिए जितने भी ट्रक ड्राइवर्स भाई हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि पूरे भारत को पता चल जाए कि 2025 में उन्हें ट्रक मिलने वाला है जिसमें एसी फिट किया होगा, और पूरा ट्रक जो होगा वो एयर कंडीशन होगा, ताकि आप कहीं भी जाएं एसी की सुविधा से आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि लेकिन राहुल गांधी को क्रेडिट देना होगा, राहुल गांधी के वायरल वीडियो के बाद में ही नितिन गडकरी जी ने ऑर्डर दिया है कि अब भारत में भी कंफर्ट जोन का ध्यान रखा जाएगा भारतीय ट्रक ड्राइवर्स का।